हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है सीजीएल मेंस प्रैक्टिस सेशन 4। मैं ये सीजीएल मेंस लो या बैंकिंग के मेंस एग्जाम बेसिकली वो लेवल की इंग्लिश कराने वाला हूँ इन सेशंस में जो आपके टॉपर्स के डाउट रह जाते हैं। आपके जो टॉपर्स हैं, जो पेपर दे चुके हैं स्टूडेंट्स, जिनका बहुत अच्छा रैंक आया था, उनके भी कुछ डाउट्स थे। सो उनके डाउट्स का मतलब है एडवांस्ड इंग्लिश के डाउट, क्योंकि बेसिक लेवल दर्जे की इंग्लिश वो भी क्रॉस कर लेते हैं। बट डियर, मैं आपको जो कराने वाला हूं इस प्रैक्टिस में वो मेंस के लेवल की इंग्लिश कराने वाला हूं, और वो एक्सपेक्टेड भी सिलेबस की क्या लेवल एग्जाम में उठ के आ सकता है। सो उसी का ये प्रैक्टिस सेशन 4 है। इसके 3 प्रैक्टिस सेशंस मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। सो पहले तीनों प्रैक्टिस सेशंस जरूर देखना, उसकी प्लेलिस्ट आपको दिखेगी मेरे चैनल पर एडवांस्ड इंग्लिश के नाम से। वो प्रैक्टिस सेशंस पहले 3 जरूर देखना, आप मेरी बात समझ जाएंगे। उस दर्जे के लेवल की आपको इंग्लिश मिलेगी जिसकी आपको खोज है। सो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आज के प्रैक्टिस सेशन में भी आपके टॉपर्स का ही एक बहुत बेहतरीन मैं डाउट डिस्कस करने वाला हूं, जो टॉपिक से रिलेट करेगा जिंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन दोनों की हम लड़ाई कराने वाले हैं और देखते हैं कौन जीतता है। सो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आएगा अभी स्क्रीन पर, उस क्वेश्चन को जरा देखो और समझने की कोशिश करो। सो देखा आपने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखना है कि क्या यह गलत है या सही है। सही तो सही क्यों और गलत तो गलत क्यों। उसके लिए मुझे एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने रूबरू कराना पड़ेगा, जिसको आप जानते हो उस पर एक बार जरा सा हम थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाते हैं, फिर मैं आपको वो डाउट क्लियर कराने की कोशिश करता हूं। ध्यान दो, इस टॉपिक का नाम है मेरे भाई जिरिंट, और हम देखने वाले हैं जिरिंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल। कि जिरिंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी इस पर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन देता है ना एग्जाम में, मेरे भाई वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से इसको एक बार समझने की कोशिश करना। देखो, जिरिंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करूं तो ये एडवांस्ड इंग्लिश लेवल में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस पर एक बेहतरीन क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दो, अगर मैं जिरिंट देखूं तो जिरिंट को भी आप पहचानते इसी वजह से हो कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी देखते हो। डियर, पहचान अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की भी देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आप आईएनजी ही देखते हो। दोनों में फर्क क्या है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी जिरिंट के केस में आता है तो ये सेंटेंस में जो फंक्शन कर रहा होता है अपने आप में नाउन का फंक्शन कर रहा होता है। नेक्स्ट, अगर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करता हूं, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप देखते हो तो ये अपने आप में नाउन नहीं, ये अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। क्लियर है जी? मतलब चेहरे भले ही दोनों के सेम है, फंक्शन दोनों के बिल्कुल डिफरेंट है। नाउन का काम करेगा जिरिंट और एडजेक्टिव का काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बेसिक नॉलेज है, सबको पता है। अब जरा बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर हम नाउन के बारे में ज्यादातर जानकारी रखें तो नाउन के बारे में ये जानकारी अभी के लिए सफिशियंट है। डियर, किसी भी सेंटेंस में नाउन या तो फंक्शन करता है अपने आप में किस चीज का, सब्जेक्ट, या नाउन किसी भी सेंटेंस में फंक्शन करता है अपने आप में किसका, ऑब्जेक्ट। इसीलिए आप फंक्शन कई बार जिरिंट का भी देखोगे एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में, और जिरिंट का भी फंक्शन देखोगे एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में। ठीक है जी, ये हल्का सा मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं जो डाउट मुझे क्लियर कराना आपका। नेक्स्ट देखो डियर, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर एडजेक्टिव का काम करेगी तो आपको पता है एडजेक्टिव वो होता है जो कोई ना कोई डिटेल ऐड करता है या तो नाउन में, या डिटेल ऐड करने का काम करता है किसी ना किसी प्रोनाउन में। एडजेक्टिव को डिफाइन करना सबको पता है, आसान हुआ यहां तक? चलो सही है। अब जरा सेंटेंसेस में इन दोनों को पहचानने की कोशिश करते हैं कि मुझे कैसे पहचान में आएगा ये जिरिंट है या मुझे कैसे पहचान में आएगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ध्यान दो, मैं उसी से रिलेट करता हुआ एक सेंटेंस पहले आपके सामने लिख रहा हूं, पहचानने की जरा कोशिश करना क्या है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, शाउटिंग मेड देम फील अफ्रेड। एक सेंटेंस मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा, स्क्रीन बोल रहा हूं, बोर्ड पे लिखा। सो अब ध्यान दो, इसको लिखा है शाउटिंग मेड देम फील अफ्रेड। अगर मैं इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करता हूं तो आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, आप समझ पा रहे हो ये जो अपने आप में मेड है यहां पर, ये क्या हुई, मेन वर्ब। और अगर वर्ब है तो आपको पता है वर्ब को 100% अपना सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। सो वर्ब तो आगे, अगर इसका मैं सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करता हूं तो वो सब्जेक्ट मुझे क्या दिखाई दे रहा है, शाउटिंग।
सो मैंने आपसे वही क्वेश्चन पूछा कि व्हाट मेड देम फील अफ्रेड, आपने बोला शाउटिंग, इसका मतलब इस मेन वर्ब का अपने आप में शाउटिंग क्या हुआ, सब्जेक्ट। और डियर अभी अभी मैंने बताया किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या होता है, नाउन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब भी सब्जेक्ट का काम करेगी इसका मतलब वो नाउन है, और अगर वो नाउन है तो वो अपने आप में क्या हुआ, जेंट। इसका मतलब ये जो शाउटिंग यहां है अपने आप में ये क्या है, जेंट। आसान हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है नहीं, क्योंकि अगर ये शाउटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल होता मेरे भाई तो ये एडजेक्टिव का काम करता, एडजेक्टिव का काम तो नहीं कर रहा यहां पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखना मैं जेंट को कैसे कैसे यूज करने वाला हूं। मैंने एक सेंटेंस बनाया, द शाउटिंग ऑफ द बॉय मेड देम फील अफ्रेड। अभी सेंटेंस को जरा चेक करते हैं, गलत है सही है, अपने उच्च विचार दिमाग में सोचे ये गलत है या सही है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर ले, फिर दिमाग में सोचे ये सेंटेंस गलत है या सही है, फिर मैं आपको समझाता हूं। ध्यान दो डियर, द शाउटिंग ऑफ द बॉय मेड देम फील अफ्रेड। अब आप लोग बड़े ज्ञानी बच्चे हैं, आपको यह पता है ऑफ अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हुई, प्रपोजिशन। और अगर मैं बात करूं तो प्रपोजिशन के बाद आने वाला बॉय अपने आप में क्या हुआ, नाउन। और प्रपोजिशन अपने साथ अपना क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आने वाला बॉय इस प्रपोजिशन का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। सो इतनी सी बात को अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं तो इस बात में मुझे ये क्लैरिटी मिलती है कि जो मेड है अपने आप में ये क्या हुई, मेन वर्ब। सो छोटी एक बात दिमाग में जरा बिठा के ये समझने की कोशिश करो, अगर ये मेन वर्ब है तो इस मेन वर्ब का अपने आप में क्या होगा, सब्जेक्ट। बच्चे इस ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता क्योंकि ये तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट बॉय नहीं, इसका सब्जेक्ट अपने आप में क्या हुआ, शाउटिंग। सो मैंने जैसे ही इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश की तो मुझे इसका सब्जेक्ट मिलने वाला है क्या, शाउटिंग। फिर से क्वेश्चन मेरा सेम है, अगर डियर वो अपने आप में, अगर वो अपने आप में सब्जेक्ट है तो वो अपने आप में क्या हुआ, नाउन। अगर वो नाउन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहां वर्ब की तरह एक्ट ना करके किसकी तरह एक्ट कर रही है, नाउन, तो अपने आप में टेक्निकल नाम उसका क्या हुआ, जेंट। इसका मतलब ये अपने आप में यहां है, जेंट। और जिसका फंक्शन मैं समझने की कोशिश करता हूं तो वो फंक्शन है अपने आप में क्या, नाउन। आसान हुआ बात, अब इस बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर मैं समझता हूं कि ये आर्टिकल द आपने क्यों लिख दिया सर, बात बड़ी गहराई की है। अगर मैं समझूं तो ये अपने आप में द हुआ आर्टिकल। और डियर आपको ये पता है जो आर्टिकल होता है वो अपने आप में रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब वो अपने आप में थप्पा लगाएगा किस पर, नाउन पर। सो ये आर्टिकल तो इसका नाउन अपने आप में कौन हुआ, जेंट। ये भी थोड़ा सा हल्का मैं डोज दे देता हूं, द आए। एक बात बताओ, शाउटिंग है, हाँ, किसकी शाउटिंग, ऑफ द बॉय। सो ऑफ द बॉय जो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये किसको एक्सप्लेन कर रही है, शाउटिंग को। अगर शाउटिंग को आपने एक्सप्लेन कर दिया तो वो अपने आप में क्या हुई, पर्टिकुलर। अगर पर्टिकुलर हो गई तो उसे पर्टिकुलर बनाने के लिए अपने आप में क्या लगा दिया, द। इसका मतलब मैंने यहां तक दो फंक्शन आपको समझाए बच्चे, हो सकता है अपने आप में जेंट सब्जेक्ट हो, सही है, हो सकता है जेंट अपने आप से पहले आर्टिकल द भी ले जाए अगर उस जेंट को आप पर्टिकुलर कर लोगे, क्योंकि वो एग्जैक्टली फिर वर्ब वर्ब का फंक्शन ना करके वो फंक्शन कर रही होती है नाउन का इन दैट केस, और आर्टिकल अपने आप में नाउन ले लेता है। सो जेंट का ये चेहरा भी अपने आप में सही हुआ, इसका मतलब जो ये सेंटेंस लिखा गया है ये गलत नहीं, अपने आप में ये है सही। तो सेंटेंस हुआ, द शाउटिंग ऑफ द बॉय मेड देम फील अफ्रेड। तो ये अपने आप में सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, थोड़ा सा आप लॉजिक इसको समझने की कोशिश करना, और जो मैंने एरर आपको दिखाया था उसको समझने के लिए बच्चे इसको समझना पड़ेगा, बेस तैयार करके ही बेहतरीन। अगर वो एडवांस लेवल का एरर ना होता तो वो सीधा सीधा एरर नहीं बन जाता, मुझे इतना ज्यादा चोचलेबाजी करने की जरूरत ही नहीं, समझाने की जरूरत ही नहीं थी। ये है एडवांस्ड इंग्लिश। एडवांस्ड इंग्लिश का मतलब है उसको समझने के लिए आपको बेस तैयार करना पड़ेगा, तब आप एडवांस लेवल पर जंप कर पाओगे। आगे सुनो, एक सेंटेंस को जरा और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपने जिरंड के बारे में कुछ जाना, यहां पर आपने जिरंड के बारे में कुछ जाना, फिर मैं थोड़ी देर में जिक्र करता हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल का कैसे आएगा। नेक्स्ट देखो, अब इसी चीज को मैंने अगले लेवल पे गया और मैंने इसी सेंटेंस को कुछ ऐसे लिखने की कोशिश की, द बॉयज शाउटिंग
मेड देम फील अफ्रेड. द बॉयज शाउटिंग मेड देम फील अफ्रेड. अब मैंने इसको लिखने की ऐसे तरीके से कोशिश की. सो आपको समझने वाली बात यह है, आपको समझने वाली ये बात है, क्या ये सेंटेंस में हमने इस सेंटेंस में अपने आप में शाउटिंग को कैसे यूज किया है? क्या शाउटिंग यहां जेंड है? अगर शाउटिंग यहां जेंड नहीं है तो क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? दोनों में से एग्जैक्टली वो है क्या? समझने की कोशिश करो मेरे भाई. मैंने जब लिख रहा हूं द बॉयज शाउटिंग मेड देम फील अफ्रेड, तो दिमाग लगा के ये सोचो, अगर मैंने नाउन पे अपोस्ट्रोफी यूज किया है, अगर मैंने नाउन पे अपोस्ट्रोफी ऐसे यूज किया है, तो ये पोजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये पोजेशन किसकी दिखा रहा है? अपने आप में शाउटिंग. शाउटिंग थी किसकी? थी बॉय की थी. तो अपने आप में ये मेन सब्जेक्ट नहीं हुआ मेरे भाई, अपने आप में मेन सब्जेक्ट है यहां, वो अपने आप में शाउटिंग हुआ. दो सेकंड के लिए इसको कुछ ऐसे समझो. सपोज माय डियर, सपोज मैंने यहां से अपने आप में ये बॉयज हटा दिया. सो इस सेंटेंस को ऐसे समझने की कोशिश करो, द शाउटिंग मेड देम फील अफ्रेड. द शाउटिंग मेड देम फील अफ्रेड. सो व्हाट मेड देम फील अफ्रेड? शाउटिंग. इसका मतलब अपने आप में शाउटिंग सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट हुआ तो वो नाउन हुआ, नाउन हुआ तो वो जिरेंड हुआ. इसका मतलब यहां पर जिरेंड है. सो जो आने वाला आर्टिकल होगा वो अपने लिए किसके लिए आया होगा? सब्जेक्ट के लिए आया होगा. अब मैंने और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ दी इस नाउन में. इस नाउन में अपने आप में मैंने एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ दी कि वो शाउटिंग थी तो थी किसकी? मैंने बोल दिया बॉयज. द बॉयज शाउटिंग मेड देम फील अफ्रेड. इसका मतलब आप ये समझे बच्चे, अगर आप चाहें तो अपोस्ट्रोफे एस के बाद भी आप जिरंड को यूज कर सकते हैं, वो गलत नहीं, वो सही होगा. अगर आप चाहें तो अपोस्ट्रोफे एस के बाद भी जिरंड यूज कर सकते हैं, वो गलत नहीं, वो सही होगा. मेरी बात जा रही है दिमाग में जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये लेवल यहां पर हुआ. अगर आने वाले दोनों चीजों का हम मतलब समझने की कोशिश करें, अगर इन दोनों बातों का मतलब समझने की कोशिश करें, तो अपने आप में सेंटेंस ये भी हुआ सही और इसी टाइप का मीनिंग दे रहा है ये सेंटेंस. दोनों ही सेंटेंस अपने आप में मीनिंग में कोई डिफरेंस लेके नहीं आ रहे हैं, मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का सही है और सेम है. क्लियर हो गया? समझने की कोशिश करना. बस इन तीन एग्जाम्पल से मैंने जिरंड का अलग अलग आपको रूप दिखाया कि जिरंड होगा डियर अगर वर्ब का सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही होगा, बट वो कैसे कैसे चेहरे बना के आपके सामने आ सकता है, वो चेहरे को पहचानना आपके लिए जरूरी है. आगे बढ़े, ध्यान याद रखना. चलो आगे समझते हैं. अब आता हूं मैं उस अगले डाउट पे, जो बेसिकली अब मैं आपको यूज थोड़ा सा बता दूं प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरीके से पहचाना जाएगा. मैं दो सेकंड के लिए यहां खड़ा हो रहा हूं आपके लिए, ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में कॉपी कर लेना उसको, ठीक है? क्लियर है? साइड में आप पोज करके अब काम हो गया होगा आपका, हटाता हूं. आगे बढ़ते हैं. अब जरा सेंटेंस को समझने की कोशिश करो. तीनों में, इन तीनों को दिमाग में रखना है, क्योंकि जो मेन डाउट है, जो मेन डाउट बच्चे ने भेजा है, उसमें सारी नॉलेज यूज होनी है आपकी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. अब बात को समझने की कोशिश करो. मैं एक सेंटेंस आपके सामने और लिख देता हूं. देखो मेरे भाई, एक सेंटेंस और लिखो. अब ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने लिखा द शाउटिंग बॉय मेड देम फील अफ्रेड. द शाउटिंग बॉय मेड देम फील अफ्रेड. अब इसको समझने की कोशिश करो जरा. द शाउटिंग बॉय मेड देम फील अफ्रेड, ठीक है जी? इसको समझो. अगर मैं इसमें समझने की कोशिश करता हूं तो आपको यह पता है डियर, जो ये मेड है अपने आप में ये मेन वर्ब है, और अगर मेरे भाई मेड मेन वर्ब है तो अपने आप में उसका सब्जेक्ट भी होगा. उसका सब्जेक्ट अब क्या है? क्या उसका सब्जेक्ट शाउटिंग है? अगर बच्चे उसका सब्जेक्ट शाउटिंग है, अगर मैं दो सेकंड के लिए मान लूं कि ये शाउटिंग इसका सब्जेक्ट है, तो फिर बॉय क्या है वहां? तो बॉय भी तो कुछ होना चाहिए, बॉय का तो कोई रोल ही नहीं रहा. फिर तो एक काम करो, इस बॉय को यहां से हटाओ, इस बॉय को यहां से हटाओ और इसको ऐसे रखो, सिंपल. शाउटिंग मेड देम फील अफ्रेड, ये हो गया इसका सब्जेक्ट. शाउटिंग मेड देम फील अफ्रेड, ये हो गया. और अभी अभी मैं ये सेंटेंस समझा के लेके आया हूं, ये सेंटेंस अपने आप में सही होगा. तो इसका सब्जेक्ट अपने आप में शाउटिंग हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा तो नाउन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा तो जिरेंड हो जाएगा. ये सही है,
शाउटिंग मेड देम फील अफ्रेड. अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी सेंटेंस में ऐसे लिखता हूं बच्चे, द बॉय मेड देम फील अफ्रेड. द बॉय मेड देम फील अफ्रेड. अब ड्राय किसने अफ्रेड किसने किया, लड़के ने किया. तो अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अपने आप में ये मेड हुई मेन वर्ब, और आने वाला बॉय अपने आप में इसका क्या हुआ, सब्जेक्ट. और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये अपने आप में क्या हुआ, नाउन. सो अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं तो ये द अपने आप में किस चीज के लिए आए हैं, नाउन के लिए. सो आपने बोला द बॉय मेड देम फील अफ्रेड, सेंटेंस ये था. अच्छा उस बॉय की एक्टिविटी क्या थी, बॉय ने उन्हें अफ्रेड तो किया बट कैसे, चिल्लाते हुए. इसका मतलब वो बॉय अपने आप में एक्टिविटी कर रहा था, क्या करने की, शाउट करने की. सो अब जरा ध्यान से सुनो, वो बॉय कैसा है, बॉय ऐसे ही है या शाउटिंग बॉय है, वो है शाउटिंग बॉय. इसका मतलब ये जो शाउटिंग है ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहा है किसमें, बॉय. और नाउन के बारे में जो भी कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, आम दो जरा यहां ध्यान, नाउन के बारे में जो भी कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव. इसका मतलब ये जो शाउटिंग है यहां अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव. और अगर ये शाउटिंग अपने आप में यहां एडजेक्टिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब अपने आप में एडजेक्टिव का काम करती है तो डियर वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो इसका मतलब ये शाउटिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल है. दिमाग दौड़ा तो अपने आप में शाउटिंग हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल है. क्या सेंटेंस का मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट सही है, बिल्कुल सही है. सो डराया उन्हें अफ्रेड किसने किया, बॉय ने किया. और बॉय कैसा था, चिल्लाता हुआ था. इसका मतलब जो शाउटिंग है वो बॉय में कहीं ना कहीं डिटेल ऐड कर रहा है. और अगर वो बॉय में डिटेल ऐड कर रहा है तो बॉय हुआ नाउन, और वो नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है तो वो गया एडजेक्टिव. चलो ये बात आपके पल्ले पड़ गई होगी, समझ आ रहे ना चीजें, एडवांस लेवल है डियर, थोड़ा सा ध्यान से समझना. दूसरी, आप कहीं भी पढ़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका बेस अच्छा होना चाहिए तब जाके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे. ये नहीं कि आप चीजों को रटके रटाके चल रहे हैं, जिरेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल को, और उसके बाद ये चीजें समझ आने, नहीं. इसलिए मैंने बेस बनाया है आपका, तब मैं आपको उस डाउट पे लेके आऊंगा. सो आने वाले में इसका मतलब सेंटेंस अपने आप में ये भी सही है और सेंटेंस अपने आप में ये भी सही है. सेंटेंस दोनों सही है बट दोनों में कॉन्टेक्स्ट में फर्क है. यहां चिल्लाने से वो डरे हैं, यहां चिल्लाते हुए लड़के से वो डरे हुए हैं, तो दोनों बातों में फर्क है. यहां चिल्लाने ने अफ्रेड किया है, यहां चिल्लाते हुए लड़के ने अफ्रेड किया है. तो मतलब लड़के ने अफ्रेड किया है, उसकी एक्टिविटी थी चिल्लाना. तो यहां ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और वहां वो मेन लीड कर रहा है सब्जेक्ट की तरह. चलो आगे बढ़ते हैं. अब मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, उस सेंटेंस को जरा समझते हैं दोनों में से. मैं ऊपर से वो हटा देता हूं क्योंकि वो एरर में मुझे स्पेस चाहिए होगा, यहां से ये हटा लेते हैं. ध्यान देना आप आगे. देखो मेरे भाई, अगर मैं इस चीज को कॉन्टेक्स्ट को यहां से यहां लेकर आता हूं जरा चीज में, मैंने अब वो सेंटेंस लिख रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर मैंने डाला था, बच्चे का डाउट. उसमें क्या किया था, इसको कर दो जी जरा ऐसे, शाउटिंग द बॉय मेड देम फील अफ्रेड. अब आपको सोचना है एक्चुअल में यह शाउटिंग जिरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या उस सेंटेंस का फिर क्या कॉन्टेक्स्ट आएगा. आपको मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं, मैं साइड हो रहा हूं, पूरी स्क्रीन पे अपना आराम से देखो और मुझे सोच समझ के जरा बताओ मेरे भाई. चलिए मेरे भाई, लगाए दिमाग, ध्यान दो. है क्या कि अगर मुझे पहचानना है जिरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो मुझे इसके फंक्शन को पहचानना होगा. फंक्शन को पहचानने के लिए डियर यहीं से समझने की कोशिश करो. अगर मैं मेड को समझने की कोशिश करता हूं तो ये अपने आप में ही मेन वर्ब. अब लड़ाई इस बात की है, जैसे डियर इस सेंटेंस में था ये मेड अपने आप में मेन वर्ब थी तो इसका सब्जेक्ट अपने आप में ये शाउटिंग बन रहा था. अगर ये यहां मेन वर्ब थी तो इसका शाउटिंग सब्जेक्ट तो नहीं बन पा रहा था, क्योंकि अगर शाउटिंग सब्जेक्ट बन जाता तो फिर बॉय क्या था, वो तो गलत हो जाता. तो इसका बॉय सब्जेक्ट बन गया तो शाउटिंग इसका एडजेक्टिव बन गया कि बॉय ने नहीं, शाउटिंग बॉय ने उन्हें अफ्रेड करा दिया. चलो आगे बढ़ो. अब इसमें से जानने की कोशिश करो, अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट क्या है, क्या इसका सब्जेक्ट बॉय है या इसका सब्जेक्ट शाउटिंग है, सोचने की कोशिश करो. सो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ये समझो, अगर मैं दो सेकंड के लिए ये मान लूं कि इस मेड का सब्जेक्ट जो है वो बॉय है तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे हुआ, द बॉय मेड देम फील अफ्रेड. ठीक है, चलो
अगर बॉय सब्जेक्ट है तो फिर शाउटिंग क्या है? शाउटिंग का तो कोई फंक्शन ही नहीं बचा, क्योंकि अगर मैं बॉय को 2 सेकंड, मेरी बात समझना, बहुत टेक्निकल चीज है, ध्यान से सुनो डियर, अगर मैं बॉय को मेड वर्ब का सब्जेक्ट मान लेता हूं, 2 सेकंड के लिए मान लो ये सब्जेक्ट है, 2 सेकंड के लिए मानो ये सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो फिर शाउटिंग क्या है? कुछ भी नहीं। जब शाउटिंग कुछ नहीं है तो लिखा क्यों है? तो ये सेंटेंस ऐसे ही कर लेते यार, द बॉय मेड देम फील अफ्रेड, सही है। चलो अगर मैं ये कहूं कि सर हो सकता है बॉय जो है वो बन गया अपने आप में सब्जेक्ट, हाँ नाउन हो गया, मैंने बोला ठीक है बेटा, सर शाउटिंग जो हो उसका एडजेक्टिव हो गया, मैंने बोला अगर शाउटिंग को उसका एडजेक्टिव बनाना ही है तो इस सेंटेंस को फिर ऐसे लिखो, द शाउटिंग बॉय। अगर शाउटिंग को उस बॉय का अपने आप में एडजेक्टिव बनाना है तो फिर उसको ऐसे लिखो। सो बात को ध्यान से समझो, सो अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो इसको एडजेक्टिव बनना पड़ेगा, क्योंकि दो दो तो सब्जेक्ट होंगे नहीं वहां, अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो इसका एडजेक्टिव बनना पड़ेगा, अगर इसको एडजेक्टिव बनना है तो इसकी प्लेसमेंट यहां नहीं होनी थी, इसको फिर यहां पर आना था, द शाउटिंग बॉय मेड देम फील अफ्रेड, बिल्कुल सही हो जाता। ये तो ऐसे लिख रखा है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है यहां तक। दूसरा समझो, अब अगर मैं इसको हटाऊं, एक कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये समझने की कोशिश की, डियर अगर मैं इसको सब्जेक्ट मानता हूं 2 सेकंड के लिए तो ये नाउन अपने आप में है ही, और मैं बॉय को मेड का सब्जेक्ट मान रहा हूं, अगर ये सब्जेक्ट है तो भाई तो कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो ये गलत हुआ पहली चीज, तो सेंटेंस कुछ ऐसे करेक्ट हो जाता, द बॉय मेड देम फील अफ्रेड, या आप इसको लिख सकते थे द शाउटिंग बॉय मेड देम फील अफ्रेड, पहली चीज तो सेंटेंस गलत। दूसरा समझो, इसी सेंटेंस को मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं शाउटिंग, मैं नीचे वाला अब ये हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। अब अगर मैं इस सेंटेंस को दूसरे कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करूं कि शाउटिंग द बॉय मेड देम फील अफ्रेड, अब इसको समझने की कोशिश करो, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता हूं 2 सेकंड के लिए, अब एक काम करो, इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये गलत हो गया, इसको दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखने की कोशिश करो, ये अपने आप में मेन वर्ब हुई, अगर ये मेन वर्ब है, अब 2 सेकंड के लिए बेचारा एडजेक्टिव तो नहीं बन पाया, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट बनेगा तो एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा तो फिर यहां होना था, सही है। अब बच्चा कह रहा है सर एक काम करो, उसको एडजेक्टिव मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल मत बनाओ, इसको जिरिन बना लो, मैंने बोला बेटा अगर इसको जिरिन बनाओगे तो नाउन बनेगा, हाँ तो ये उसका सब्जेक्ट बनेगा, 2 सेकंड के लिए मानो, अगर ये मेड मेन वर्ब है हाँ, तो शाउटिंग अपने आप में उसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। चलो बात पल्ले पड़ती है, अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो नाउन भी ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है, अगर ये नाउन बनेगा तो जिरिंड है, ठीक है। इसका मतलब आप इस चीज को कुछ ऐसे कहने की कोशिश कर रहे हो, शाउटिंग मेड देम फील अफ्रेड, क्या सेंटेंस सही है? हाँ ये तो सही था, अभी भी मैंने बताया शाउटिंग मेड देम फील अफ्रेड, ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, शाउटिंग मेड देम फील अफ्रेड, सेंटेंस ये तो सही है। चलो आगे बढ़ो, अगर ये सेंटेंस सही है तो फिर ये द बॉय क्या करने लग रहा है? देख रहे हो, अगर ये इसका सब्जेक्ट है तो फिर ये द बॉय क्या है यहां? अब द बॉय को समझने की कोशिश करो, बच्चा कहता है सर ये जिरिंड है, हाँ तो ये द बॉय इस जिरिंड की एक्सप्लेन करने के लिए आया होगा, मतलब शाउट तो शाउट किया क्या, उसके लिए आया होगा, शाउटिंग तो शाउटिंग व्हाट, द बॉय, इसका मतलब उन्होंने चिल्लाया और चिल्लाया क्या, द बॉय, इस तरीके से आया होगा सर ये। मैंने बोला कैसे भाई, देखो मैंने बोला शाउटिंग शाउट तो शाउट क्या किया, बॉय, सर आगे ये सेंटेंस ऐसे बन गया। मैंने बोला अब इसे टेक्निकल रूप जरा देने की कोशिश करते हैं, ध्यान दो मेरे भाई, अगर मैं शाउटिंग को समझू, तुम कह रहे हो कि ये जो शाउटिंग है यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो द बॉय क्या है, अगर ये सब्जेक्ट है तो द बॉय इस सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन बना होगा, इस जिरिंड की एक्सप्लेनेशन बना होगा, ठीक है। सो अगर ये इस जिरिंड की एक्सप्लेनेशन है तो जिरिंड अपने आप में ये जो बन रहा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, जो ये जिरिंड बन रहा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, हाँ तो इसका मतलब ये जो जिरिंड का अपने आप में एक्सप्लेनेशन है तो ये एक्सप्लेनेशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की है, बिल्कुल। सो इसका मतलब डियर ये एक्सप्लेनेशन इस वर्ब की ही है, सही है, और जो वर्ब को आप एक्सप्लेन करते हो तो उस वर्ब की एक्सप्लेनेशन को ही एग्जैक्टली हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है मेरे भाई, बात बड़ी ध्यान से सुनना, जिरिंड का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, और जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब आप वर्ब को एक्सप्लेन करते हो तो वर्ब की एक्सप्लेनेशन ही अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले सकती है तो इसका मतलब जिरिंड भी अपने आप में अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है, क्योंकि जिरिंड का ही तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, इसीलिए बेटा इनको जिरिंड को मतलब
नॉन फाइनाइट वर्ब को हम कई बार सेमी वर्ब्स भी बोलते हैं। सेमी वर्ब्स मेरा मतलब है कि ये कहीं ना कहीं वर्ब की तरह ही फंक्शन करती हैं, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये अलग अलग तरीके से काम कर रही होती। सो अगर जिरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ठीक है, अगर आप वर्ब को एक्सप्लेन करते हो तो वो ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, इसका मतलब जिरेंड भी अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है। आसान हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं शाउटिंग को जिरेंड कह रहा हूं तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो है, शाउट तो अपने आप में वर्ब ही है, ठीक है, उस पर आईएनजी लगा हुआ है। तो शाउट, शाउट किया क्या, द बॉय, इसका मतलब ये शाउट की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगर ये शाउट की एक्सप्लेनेशन है तो ये वर्ब की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगर ये वर्ब की एक्सप्लेनेशन है तो वर्ब की एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये जिरेंड अपने आप अपने बाद क्या लेने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जेक्ट। यहां तक भी बात पल्ले पड़ती है, तो बच्चा सोचता है कि हाँ ये अपने आप में सेंटेंस सही हो गया। बट अब इसमें एक लोचाए उल्फत है, बताऊं? देखो क्या उल्फत है, जो शाउट वर्ब है, अब शाउट वर्ब को समझना दो सेकंड के लिए। शाउट का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, जो शाउट वर्ब है उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ध्यान दो। शाउट को मैं कह सकता हूं टू से समथिंग, टू से समथिंग, टू से समथिंग, कुछ कहना है बट इन अ लाउड वॉइस, तेज आवाज में, टू से समथिंग इन अ लाउड वॉइस, कुछ कहना है बट तेज आवाज में, ऐसा है। दूसरी बात, जब ये शाउट अपने आप में वर्ब का काम करती है तो बचपन आपको याद होगा वर्ब दो टाइप की होती है, आपको पता होगा वर्ब दो टाइप की होती है, एक तो होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव। यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान से सुनो, बचपन याद होगा आपको, वर्ब दो होती है बेटा, एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का फर्क क्या होता है वर्ब का, डियर, फर्क ये होता है जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, और अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। और छोटे, अगर तुम मेंस की तैयारी कर रहे हो तो इतना उम्मीद मैं तुमसे रख सकता हूं डियर कि अपने आप में बच्चे आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को समझते होंगे, उसमें मैं समझाने में नहीं जाऊंगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो हैं जो अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उनके पास होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है, बेटा ये शाउट अपने आप में वर्ब है, क्या शाउट ट्रांजिटिव वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब है? आपकी जानकारी के लिए बता दो बेटा, शाउट अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, शाउट अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है, शाउट अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर शाउट अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? सो बेटा ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल। तो शाउट अपने आप में एक ऐसी वर्ब है जो इंट्रांजिटिव है, और इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट कैरी कर ही नहीं सकती, तभी तो उन्हें इंट्रांजिटिव बोला जाता है, ठीक है। इतना मैं उम्मीद रख रहा हूं कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको पता है, और छोटी झलक मैंने बता भी दी। अब बेटा इसी बात को यहां लेके आ जाओ, अगर शाउटिंग अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये उसका ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब तो ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं, इसका मतलब ये गलत है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब होती तो ऑब्जेक्ट मैं उसको मान के सही कर लेता, अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती, ठीक है, तो मैं उसको ऑब्जेक्ट मान के सही कर लेता, बट ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आप में ऑब्जेक्ट लेती नहीं। हाँ, यहां कोई ट्रांजिटिव वर्ब लिख दो तो ऑब्जेक्ट भले ही लिख लेते, तो ये सेंटेंस तो ओवरऑल गलत है। इसका मतलब बेटा वो सेंटेंस गलत है, बट वो सेंटेंस जच जचा के गलत नहीं है, दिमाग से गलत है, ग्रामेटिकली गलत है, और ग्रामेटिकली गलत प्रूव करने के लिए यू हैव टू इंप्रूव योर कॉन्सेप्ट, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वहां हो क्या रहा है। सो दिमाग लगाना जरा। अगर दोनों को मैं वाइंड अप कर रहा हूं, ये सेंटेंस क्यों गलत हुआ, मैंने बोला अगर मैं दो सेकंड के लिए बॉय को सब्जेक्ट मान लूं तो द बॉय मेड देम फील अफ्रेड, ठीक है। अगर बॉय सब्जेक्ट है तो शाउटिंग तो कुछ बचा ही नहीं, बच्चे ने बोला सर ये सब्जेक्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, बेटा एडजेक्टिव होना था तो यहां आना था द शाउटिंग बॉय, सही है। तो पहले कॉन्टेक्स्ट में गलत हुआ, दूसरा देखो, सो अगर मैं इसको सब्जेक्ट मान के उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव मानने की कोशिश करता तो यहां आना था, तो वो गलत हो गया। अच्छा, ये क्यों गलत हो गया, अगर मैं बॉय को सब्जेक्ट ना मान के शाउटिंग को सब्जेक्ट मान लूं दो सेकंड के लिए कि शाउटिंग ने उन्हें अफ्रेड करा दिया होगा, तो फिर ये दा बॉय क्या कर रहा है? तो बच्चे ने बोला सर ये जिरेंड बनेगा अगर ये सब्जेक्ट बनेगा, तो शाउटिंग क्या किया, शाउट क्या किया, वो बॉय किया होगा उसने,
उसने बोल दिया होगा दा बॉय। मैंने बोला अच्छा बेटा, अगर ये इसका एक्सप्लेनेशन है तो ये अपने आप में जिरेंड, और जिरेंड मतलब वर्ब, और वर्ब की एक्सप्लेनेशन मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब ये दा बॉय इस शाउटिंग का कहीं ना कहीं क्या बनने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जेक्ट। बट शाउटिंग अपने आप में कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब तो ऑब्जेक्ट लेती नहीं, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब होती और ये इसका ऑब्जेक्ट बन सकता होता तो अपने को कोई गल नहीं जी, ठीक है, कोई शापा ही नहीं होता। बट यहां शापा क्या है कि इंट्रांजिटिव वर्ब तो ऑब्जेक्ट लेगी ही नहीं ना, और शाउट तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। सो ये सेंटेंस गलत है। बट बेटा ये चुटकी बजा के गलत नहीं है, आधा घंटा लगा है एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में। हाफ एन आवर आई थिंक मुझे हो गया होगा, अभी देखा नहीं मैंने कैमरे में कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, बट दिमाग लगा के चीजों को समझो। तो ये था वो एरर, और इसीलिए मैंने बोला ये एडवांस्ड इंग्लिश का लेवल है। कुछ ना समझ आया तो वीडियो दो बार देख लेना, बट बच्चे आपको अपना लेवल उठाना होगा। इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम, आपको अपनी थिंकिंग भी मेंस के तक की लेके जानी पड़ेगी। ख्यालों में मेंस में 200 में से 200 नहीं आएंगे इंग्लिश में, या मार्कर से मैं 200 में से 200 लिख दूं तो नहीं आएंगे। आपको बच्चे अपना वो लेवल भी उठाना पड़ेगा। इसीलिए जो भी चीज पढ़ो अपना ध्यान से पढ़ो, इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। सो ये था प्रैक्टिस सेशन 4। 3 प्रैक्टिस सेशंस में ऑलरेडी ले चुका हूं एडवांस्ड इंग्लिश प्रैक्टिस, जिसको मेंस प्रैक्टिस इस टाइप से प्लेलिस्ट में उसकी बना देता हूं। उस प्लेलिस्ट में देखना, 4 वीडियो हैं, ये 4 वीडियो होगी, इसके जो है अलावा 3 और हैं, उन 3 को भी देखना, आप समझ पाओगे चीजों को क्या है। सो ये था जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल की लड़ाई इस एरर को लेकर कि ये एग्जैक्टली सेंटेंस गलत क्यों है। बट उसके लिए देखो कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा यूज हो गए, इसलिए मैंने बोला ये लेवल है एडवांस लेवल, लगाओ दिमाग, बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, अगर कुछ ना समझ आया तो वीडियो को दोबारा से अपना रिस्टार्ट करके दोबारा से उसको देखना। बच्चे हर चीज एक बार में समझ आने की नहीं होती, हर चीज एक बार में समझ आने की नहीं होती, ये मुश्किल चीजें हैं, ये दो बार में आएंगी। और तुम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बता रहे हो, बच्चे जब मैथ्स में इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट तुम पढ़ जाते हो, इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो, तो ये किस चीज का नाम है यार, इनको भी आने दो, समझो। सो एडवांस इंग्लिश की आदत डालो और एडवांस लेवल पढ़ने की आदत डालो। आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, कमेंट्स में बताना क्या पार्ट बिंदास लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ग्रामर के, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, खूब मेहनत करो, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो, और मैं आपके लिए सेशंस लेते रहूंगा। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, लॉकडाउन हटते ही फिर लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, अभी लाइव नहीं कर पाना डियर, खुद ही रिकॉर्ड करना होता है, खुद ही चीजों को संभालना होता है। सो उसके बाद फिर लाइव सेशन यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे, बाकी आपकी क्लासेस फिर उसी हिसाब से रिज्यूम हो जाएंगी। बाय, टेक केयर, जय हिंद।